3 hours road blockage against non-completion of main road at Haflong. Demanding immediate completion of road from Haflong post office to Lower Haflong, immediate blacklist of the contractor and regular maintenance of the road by the PWD, Haflong Division, Dimasa Students Union, a front-layer student organization, observed 3 hours, 10 a.m. to 1 p.m. road blockage from Sengya Sambhudan Phonglo Statue to Synod Point, Haflong, on Tuesday. Pramith Sengyung informed the press that they observed the blockage of 3 hours considering the inconvenience of the public and if the concerned department fails to take immediate measures in regards to our demand, we would be bound to go for stronger democratic agitation since the concerned department has been found indifferent towards the genuine demand of the people. आज 5 नवंबर 2019 हम लोग यहाँ पे मेन हफलोंग मार्केट पे हम लोग ये रोड ब्लॉकेट किया है 3 आवर्स के लिए. और ये रोड ब्लॉकेट हम लोग इसलिए किया है क्योंकि इसका जो काम है ये बहुत ही नेग्लिजेंस से किया है बोथ डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर. क्योंकि लास्ट सितंबर को हम लोग खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यू रोज का हम लोग जाके कंप्लेन किया था कि ये रोड तो बहुत ही थर्ड क्लास तरफ से मतलब लो क्लास से बनाया गया है. और साथ ही साथ ये ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट के लिए 1.5 ईयर लगा दिया, 1 ईयर 6 मंथ्स लगा दिया, जो 3.91 लाख का काम है और 6.2 किलोमीटर का ये रास्ता है, इसको बनाने के लिए 1.6 मंथ्स लगा दिया. उसमें भी ये लो क्लास से बनाया गया तो हम लोग का तरफ से ग्रीवेंसेस था जो हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी कंप्लेन किया है. इवन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ असम को भी हम लोग बार बिली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हम लोग कंप्लेन किया था, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया. तो वी वी आर बाउंड टू टेक दिस प्रोग्राम. सो हम लोग बेसिकली हम लोग का डिमांड है कि एक नंबर पॉइंट हो गया हम लोग का जो ये रास्ता है विद इन दिसंबर हम लोग को ये रास्ता बन जाना चाहिए. और साथ ही साथ 2 नंबर का जो है ये जो ऐसा लो क्लास काम करता है और जो इतना टाइम लगा था ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट करना होगा. सिर्फ ये रोड का नहीं, डीमा हासाओ में जितना भी अभी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो भी कॉन्ट्रैक्टर अगर डुप्लीकेट काम करेगा और टाइम फ्रेम ज़्यादा लगाएगा तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो उनको ब्लैकलिस्ट करना होगा. और सिर्फ यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर नहीं, बाहर का जो बड़ा बड़ा कंपनी आज यहाँ पे डीमा हासाओ पे काम कर रहा है वो लोग को भी हम लोग बोलना चाहेंगे कि काम फर्स्ट क्लास होना है. क्योंकि ये किसी के पॉकेट का पैसा नहीं है, ये आपका हमारा हम लोग का टैक्स का है, हम लोग का GST का ये पैसा से हम लोग के लिए आज रोड बन रहा है, बिल्डिंग बना रहा है. तो इसके ऊपर अगर कोई घोटाला करने के लिए कोशिश करेगा ये हम लोग हर हालत में नहीं मानेंगे. और कॉन्ट्रैक्टर लोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं अगर कोई ऑफिशियल JEE हो, SO हो या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, आपसे अगर कोई ब्राइब पैसा के लिए अगर कोई डिमांड करता है तो हम लोग को सीक्रेसी में हम लोग को आप लोग खबर दीजिए, हम लोग स्टर्न एक्शन लेगा. हम लोग जो भी डिमांड करेगा ये पब्लिक का हित में हम लोग डिसीजन लेगा और यहाँ डीमा हासाओ को करप्शन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाएगा हम लोग हर हालत में. और 3 नंबर जो है ये पुअर मेंटेनेंस, PWD रोड्स का जो इतना ख़राब मेंटेनेंस है वो लोग एक काम को जो इतना बड़ा अमाउंट है, इतना ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं है, उसको 1.5 ईयर्स लगा देता है, कुछ देखरेख नहीं करता है, तो इसका जिम्मेवारी कौन है? डिपार्टमेंट है ऑब्वियसली. तो डिपार्टमेंट का जो है जो हेड है, जो ऑथोराइज सिग्नेटरीज है, जो ऑथोराइज इंजीनियर्स है, SO है, वो लोग को देखभाल करना है. क्यों देखभाल नहीं किया? तो हम लोग का क्वेश्चन वही है. और हम लोग काउंसिल, ऑटोनोमस काउंसिल, दिमासा ऑटोनोमस काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव से हम लोग डिमांड किया है कि एक्शन लेना है बोर्ड डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर स्टर्न एक्शन लेना है उनके ऊपर, ताकि भविष्य में ऐसा प्रोग्राम हम लोग को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरत ना पड़े. पब्लिक का ग्रीवेंसेस, पब्लिक का ऊपर प्रॉब्लम नहीं होने के लिए हम लोग ये डिमांड करते हैं. अच्छा, आज का दिन में नंबर पॉइंट हो गया हम लोग का नेशनल हाईवे 27 जो लांगटिंग टू हाथीकाली है, उसमें आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है हम लोग विद इन ए वीक लिया था. और ये जो रास्ता है ये हम लोग 9 अगस्त को विजिट किया था और यहाँ पे अभी तक
कुछ प्रिकॉशनरी मेजर भी नहीं लिया है, ना ही यह कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। तो ये सारा दोष अभी किसके ऊपर? पीडी काम के, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है काम के, उसका ऊपर ये जिम्मेवारी लेना होगा। इनकेस भविष्य में अगर इंसिडेंट है, कोई मर गया, तो ये जिम्मेवारी वो काम के पीडी को लेना होगा, क्योंकि उसका देख रेख में ये नेशनल हाईवे बन रहा है। और जो हारंगजाव नीरिम बंगलो टू जाटिंगा रोड है, वो भी अभी पेंडिंग है, कोई उसका पेरेंटल कोई अथॉरिटी ही नहीं है। और हारंगजाव रोड वो तो सबसे वर्स्ट रोड है, इसका सारा जिम्मेवारी जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेना है। वो लोग जो जिस लक्ष्मी मोटर हो या जो भी कंपनी हो, वो लोग को स्टर्न एक्शन लेना है ताकि रोड अच्छा बन पाए। अभी ये यहाँ पे एक प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिया है, तो यहाँ पे कल परसों कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये साथी सर ये भी है, इसमें ना ही मेजर से ना ही कुछ है, तो डिमा हसाओ का आम जनता इतना बुर्बक है क्या? हम लोग का डिमांड नहीं होता है? तो ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से भी हम लोग डिमांड करते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो इंचार्ज है यहाँ पे, जो पीडी है, उसके ऊपर भी एक्शन लेना है, क्योंकि बहुत बड़ा खेलंखारी हो रहा है अभी डिमा हसाओ का नेशनल हाईवे को लेकर। तो स्टर्न एक्शन लेना है। और साथ ही साथ हम लोग डिमांड करता है जो उमरंगसो टू जो गोरमफानी टू लोंका रोड है, ये जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन शुरू होना है रोड का। और साथ ही साथ जो दिहंगी टू उमरंगसो रोड है, उसको भी दिसंबर तक हम लोग का जो डिमांड है, फर्स्ट क्लास रोड हम लोग को एज पर जो एस्टिमेट है उसका ऊपर हम लोग को रोड चाहिए। ये करने के बाद फ्यूचर में क्या करना है? दिसंबर तक अगर हम लोग को परफेक्ट रोड नहीं मिलता है, फर्स्ट क्लास रोड नहीं मिलता है एज पर जो एस्टिमेट है, देन वी विल बी बाउंड टू टेक डेमोक्रेटिक एक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग ये फ्यूचर में डिसाइड करेंगे। अगर रास्ता नहीं बनता है तो हम लोग इससे भी और ज़्यादा डेमोक्रेटिक एजिटेशन करने के लिए हम लोग रेडी। Almost all the roads of Dima Hasao through being constructed but left half done or delayed for the reasons best known to the authority concerned. Meanwhile, additional chief engineer Gautam Sarkar and superintending engineer S. Nath met the agitating DSU members and assured them to take stern action against such lapses, and also assured that the ongoing works would be completed within December as desired by the student leaders.